अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फैज मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामिक दुनिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बैल का जो आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपको हमारे चैनल इस्लामिक दुनिया में खुशामदीद कहती हूँ। मेरी बहनों और भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आपके हर मुश्किल परेशानी को दूर फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज जो आपकी खिदमत में जो वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ, ये अमल करने से अगर आपको अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, अगर आपकी शादी जल्दी नहीं हो रही है या रिश्ते में कोई रुकावट आ रही है, तो ये अमल आप कर लीजिए। ये लाखों लोगों का आजमाया हुआ वजीफा है। इस अमल को करने से अगर आप अपने पसंद की शादी करवाना चाहते हैं लेकिन उसके रास्ते में कोई रुकावट आ रही है, या कोई घर से नहीं मान रहा है, पैसों की कमी का मसला है, या आपको कोई अच्छा रिश्ता आपके मनपसंद का नहीं मिल रहा है, तो आप ये अमल कर लीजिए। अल्लाह तबारक व ताला के एक नाम का वजीफा है। दोस्तों, ये अमल हमारी एक बहन ने किया और उन्होंने हमें बताया कि अमल को करके उन्होंने कामयाबी हासिल की। सिर्फ 2 दिन ये वजीफ़ा किया और 2 दिन ये अमल करने से उनको इसका जो रिज़ल्ट था वो मिलना शुरू हो गया। अल्लाह तबारक व ताला की मदद से उनके पसंद का जो रिश्ता था वो उनके घर आ गया। तो आज का ये जो अमल है, ये वजीफ़ा अल्लाह पाक के एक नाम या वहाबू के ऊपर मुश्तमिल है। या वहाबू वो बहुत ज़्यादा अता करने वाली ज़ात, अल्लाह की बारगाह में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ये वजीफ़ा अल्लाह पाक के एक नाम या वहाबू पर मुश्तमिल है। या वहाबू, ऐ बहुत ज़्यादा अता करने वाली ज़ात, अल्लाह की बारगाह में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वो जिसे चाहे बहुत ज़्यादा अता कर दे। तो आपने करना ये है कि हर नमाज को अदा करने के बाद अल्लाह पाक के ये एक नाम या वहाबू, इसको आपने 129 दफ़ा यानी कि 129 टाइम आपने पढ़ना है। आपने हर नमाज की जो फ़र्ज नमाज है उसको अदा करने के बाद 129 दफ़ा आपने या वहाबू पढ़ना है। ये वजीफ़ा शुरू करने से पहले और दुआ मांगने से पहले आपने 3-3 मरतबा दुरूद पाक, जो भी आपको आता है वो आप पढ़ लीजिए। जब आप ये अमल करेंगे, आपके दिल में आपके जो परेशानी है वो होनी चाहिए। आप इस अमल को अपने किसी भी जायज़ मकसद को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। अपनी किसी भी हाजत को पूरा करने के लिए ये अमल आप कर सकते हैं। तब तक करना है जब तक कि आपका मसला हल ना हो जाए। ये अमल वजीफ़ा आप ख़ुद भी करें और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लाजमी शेयर भी करें। तो दोस्तों, 5 वक्त की नमाज़ पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।